कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप दोनों जगह पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वही एनालिसिस मैं सिखा भी रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डेमो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। सो बैंक निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम्स की अगर मैं बात करूं सो स्ट्रक्चर अभी भी ठीक ठाक है, कोई भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है अभी तक। और वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तो वीकली के ऊपर भी टोटली साइडवेज स्ट्रक्चर है, कोई भी खराबी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आज डेली का जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म हुआ है, मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको बैंक निफ्टी में 34,700 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म हुआ है, थोड़ी खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर बैंक निफ्टी में किसी को भी बनाना हो तो मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूँ 34,750 से लेके 34,750 से लेकर 34,550 के बीच में किसी को भी लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी हो तो आप जरूर बना सकते हो। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 34,400 का। सो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर लोअर लेवल देखने को मिलते हैं और खराबी देखने को मिलती है और लॉन्ग पोजिशन अगर बनाना हो तो मैंने जिस रेंज बताई है एग्जैक्टली उसी रेंज पे किसी को भी काम करना हो तो आप जरूर काम कर सकते हो। और हायर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फेल हुआ है, 36,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला है हमको। सो अभी भी जिस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, मुझे हायर साइड्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 36,250 के ऊपर, 36,300 के ऊपर। और तब तक नहीं निकलता है तब तक लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। और जिस तरह से चार्ट यहाँ पर बोल रहा है, मुझे क्लियरली ऐसा समझ में आ रहा है कि लोअर लेवल आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। सो जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा। सो यू विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम काम कर रहे हैं। अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना है तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपने आँखों को और दिमाग को ट्रेन कीजिए, इंडिकेटर के सहारे मत काम कीजिए। योर आई इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर। सो मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।